हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि ये रेडलाइन स्टार्ट आरपीएम मीटर के अंदर, जैसे ये पेट्रोल वेरिएंट है तो ये इसकी 8000 तक जाती है आरपीएम। जो डीजल वेरिएंट होते हैं उसके अंदर 6000 तक आरपीएम जाती है। और यहाँ पर देखिए 6500 के बाद यहाँ पर रेड लाइट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ तक इससे पहले इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे जहाँ पर वाइट लाइन है वहाँ पर है ही, आप आराम से इसको जब भी आप रेस देते हैं तो रैव कर सकते हैं आप अपना इंजन आराम से वाइट लाइन तक। जब आप ज़्यादा रेस दे दोगे, एक्सेलरेटर दबाओगे तो रेड लाइन पे ये पहुँचा तो वो इंजन को ख़राब करेगा। पर वो रेड लाइन पे ऐसे पहुँच नहीं सकते, इन्होंने रैव लिमिटर लगाया होता है कंपनी वालों ने, जिससे ये पहली जैसे रेड लाइन से पहली ये कट हो जाएगा, फ्यूल कट हो जाएगा। ये तो फ्यूल थोड़ा सा कट हो जाएगा या आगे नहीं जाने देंगे बस वो। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं ब्रेक लगा के रख हैंड ब्रेक लगा के रखता हूँ और देखिए मैं पूरी एक्सेलेटर दबाऊँगा। मैं इसको एक मिनट थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ कार को। दिख रहा होगा तो मैं इसको पूरा रैप कर दूंगा, पूरा एक्सेलरेटर दबा दूंगा। और ये देखिए अभी गाड़ी न्यूट्रल में है तो मैं पूरा एक्सेलरेटर दबा दूंगा। ये देखिए इससे आगे जा ही नहीं रही, चाहे मैं कितनी मर्जी रेस दबा कर रखूँ। ये देखिए उससे आगे जा ही नहीं रही गाड़ी, और इसमें थोड़ा थोड़ा फ्यूल कट होने लग जाता है। और ये हर बार ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ये 5000 भी कटेगा जैसे आप चला रहे हो गाड़ी और तब आपने इसको ज़्यादा आरपीएम दबा दी, तो कभी कभी ये 5500 पे भी कट सकता है। बस ये रेड लाइन पे उससे पहले कट जाएगा रेड लाइन से, तो इससे आपका इंजन सेफ रहेगा क्योंकि वैसे कार के इंजन बहुत ज़्यादा रैव कर सकते हैं, पर कंपनी रिकमेंड करती है ये इतना रैव ना करो, इसलिए वो लिमिटर लगा देते हैं। तो यही था रैव लिमिटर के बारे में। और ये आप रेड लाइन से आगे ये रेड लाइन पे लेके जाते हो तो क्या डैमेज हो सकता है इंजन को, इसलिए कंपनी ये लगाती है। तो गाइस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को टेक्निकल ज्ञान को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को और कमेंट करिए ये आपको कुछ जानना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।